लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी खुद को मजबूत करने के लिए लगी है, लेकिन इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। जालंधर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनके साथ साथ जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपके विधायक शीतल अंगुराल ने सुबह ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पंजाबी भाषा में लिखा था कि मैं आम आदमी पार्टी की सभी जिम्मेदारी से इस्तीफा देता हूँ। आपको बता दें कि पंजाब से जालंधर पश्चिमी विधानसभा से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस पर उपचुनाव लड़ने के लिए रिंकू कांग्रेस छोड़कर आप भी शामिल हो गए थे। हालांकि उस वक्त आप विधायक सुशील अंगुराल खुद को टिकट न दिए जाने से काफी नाराज थे। पार्टी ने उनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया और रिंकू को इस सीट से मैदान में उतारा। रिंकू ने इस चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार जीत की राह बहुत आसान नहीं होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जालंधर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दे सकती है। शीतल अंगुराल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उन्हें जालंधर वेस्ट से उम्मीदवार बनाया। विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें अंगुराल ने रिंकू को हराकर जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल को 39,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रिंकू को सिर्फ 34,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मोहिंदर भगत को 33,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था।